महाराणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है क्योंकि? महाराणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये हम ऑप्शन के अंदर देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है संगीत प्रेमी थे, बी ऑप्शन है ध्रुव प्रेमी थे, सी है लिखने के प्रेमी थे और डी है युद्ध प्रेमी थे। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, संगीत प्रेमी थे। जो महाराणा कुंभा है वो संगीत प्रेमी थे और इनके दरबार के अंदर कई महान संगीत प्रेमी और लेखक रचनाकार भी हुए हैं, ठीक है। तो जो महाराणा कुंभा थे वो खुद भी एक रचनाकार थे, इन्होंने भी कई रचनाओं का रचना की, इन्होंने भी कई रचनाएं की हैं। तो कौन कौन सी है इनकी रचना है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, प्रबंध सुंड, रतिसार, कामराज रतिसार और भी कई इनकी रचनाएं हैं। और इनका जो उल्लेख है, इनका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलता है, जिसमें इसकी उपाधियों का भी उल्लेख किया गया है। महाराणा कुंभा को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी? अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई थी, महाराजा धीराज की उपाधियां दी गई थी, राव राणे हैं, राजगुरु है, होलगुरु है, परम गुरु है और भी कई सी इन्होंने उपाधियां धारण की थी। और इनकी सभी उपाधियों का जो उल्लेख है वो हमें इनके बारे में जानकारी, इनकी उपाधियों के बारे में जानकारी हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलती है। जो राणा कुंभा थे वो क्या थे? संगीत प्रेमी थे और इसी संगीत प्रेमी होने के कारण इन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि से नवाजा गया था।